economics. Economics has been derived from a Greek word called as oikonomia. And the meaning of oikonomia is study of household. लेकिन ये जो स्टडी ऑफ हाउस होल्ड की बात है ये 300 साल पुरानी है. अगर आज आप इकोनॉमिक्स को देखेंगे तो इकोनॉमिक्स हाउस होल्ड के लिए नहीं, कंज्यूमर्स के पास, प्रोड्यूसर्स के पास, गवर्नमेंट के पास, सबके पास पहुंच चुका है. बट जो इकोनॉमिक्स का मेन क्रस्ट है कहाँ से डिराइव्ड है, इन दोनों बातों से डिराइव्ड है. अगर हम हाउस होल्ड की बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मेन प्रॉब्लम अनलिमिटेड वॉन्ट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज. तो ये प्रॉब्लम जो अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज की है, ये सिर्फ हाउस होल्ड के लिए कन्फाइंड नहीं है, ये हर सेक्टर में फाइंड की जाती है, वेदर कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेदर प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर गवर्नमेंट के लिए. तो इकोनॉमिक्स जो डिराइव्ड है इकोनोमिया से, वो अब फैल गई है हाउस होल्ड से लेकर कंज्यूमर्स से लेकर प्रोड्यूसर्स तक और गवर्नमेंट सेक्टर तक. एग्जैक्टली ये कैसे डिफाइंड होती है, ये अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग मीनिंग्स दिए हैं टर्म इकोनॉमिक्स के.